श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी। ठाकुर जी महाराज के यहाँ भक्त लोग उनकी आरती के इंतजार में हैं और इसके पश्चात जो ठाकुर जी की आरती के साथ साथ उनकी अमृत वर्षा होने वाली है, जिस अमृत को पाने के लिए यहाँ पर भक्त लोग आए हैं और बिहारी जी की असीम अनुकंपा उन पर बरसती है। असीम अनुकंपा क्या है? जो बरसती है वो है ठाकुर जी की अमृत वर्षा, यानी कि वो अमृत वर्षा ही उनके लिए असीम अनुकंपा है। बिहारी जी का आशीर्वाद है, राधा रानी की कृपा है, जिसको पाने के लिए भक्त लोग यहाँ पर ललायित रहते हैं। भक्त लोग यहाँ आते हैं और इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और धक्का मुक्की में भी ठाकुर जी के दर्शनों का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो जैसे कि आजकल हम लोगों की कुछ ना कुछ किसी ना किसी बिहारी जी से रिलेटेड टॉपिक्स पे उनके बातचीतें होती रहती हैं लाइव सेशन में, जब हम आरती आने वाली होती है उससे पूर्व ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसी में हमने एक कड़ी और आज ऐड कर रहे हैं, बिहारी जी के ठाकुर जी के कृष्णा के राधा रानी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो भक्त बनते जा रहे हैं, वो ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा आराधना बड़े धूमधाम से भी करते हैं और बड़े चाव के साथ भी करते हैं। यानी कि धूमधाम से कैसे कि बड़ी खुशियों के साथ डांस करते हुए नृत्य करते हुए चीज़ें करते हैं। और इसके साथ साथ ठाकुर जी के यहाँ प्रांगण में भी आप देख सकते हैं कि जो गोस्वामी बच्चे हैं वो भक्तों पर माला लुटाते हैं, उन पर प्रसाद देते हैं, फूल की पुष्प वर्षा करते हैं। और ऐसे ही आज एक नन्हे से बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, भागवत को, जिनका इंस्टाग्राम पेज है भागवत के नाम से। तो जिन्होंने ए फॉर एप्पल नहीं ए फॉर अर्जुन करा है, जिन्होंने बी फॉर बॉय नहीं बलराम किया है, सी फॉर कैट नहीं उन्होंने चैतन्य किया है, तो ये जो उनके माध्यम के जरिए जो चीज़ें हैं बहुत सारे और भी बच्चों को यूथ को जो इनकरेज करेगी, जो पता चल रही है वो सारी चीज़ें ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। यानी कि अगर बिहारी जी महाराज का ठाकुर जी का आशीर्वाद ना हो, यानी कि कृष्णा का आशीर्वाद ना हो, राधा रानी की कृपा ना हो, तो ये असंभव है। लेकिन सर्वप्रथम उन माँ बाप को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने उनको इतनी शिक्षा दी है और इस तरीके से उनको ये ज्ञान बांटा है, उस तरीके से उनको ये उन्होंने इंस्पायर किया है, इंकरेज किया है कि वो इस, मेरे को निकलना है। देखो जी ठाकुर जी भी यहाँ आनंद ले रहे हैं, जय हो गणपत गणेश काटो कलेश। तो बस बिहारी जी की आरती आने वाली है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वार्तालाप करी और कुछ उनके साथ जो हमने समय व्यतीत किया और वीडियोस बनाई हैं वो रील्स के रूप में, वीडियोस के शॉर्ट वीडियोस के रूप में हम अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे डालेंगे, तब आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिहारी जी के यहाँ आनंद लेते हुए, जय हो। तो इसको शेयर करते रहो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग हमारी इस लाइव सेशन के जरिए आरती में जुड़ सके, बिहारी जी की और ठाकुर जी के राधा रानी की कृपा के पात्र बन सकें, उनको प्रणाम कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। बिहारी जी महाराज की जो कृपा है वो सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हम चाहते हैं। कुछ ही पलों में आरती आने वाली है, हम लोग इंतज़ार में हैं कि कब बिहारी जी की आरती आए और हम आरती की झलक करें। और आरती की झलक के साथ साथ जब हम फोकस करेंगे तो बांके बिहारी जी ने बड़ी सुंदर जो आज दो कलर की पोशाकें धारण की है, यानी कि पिंक है और भी एक कलर है जो आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ से नज़र भी आएगा, वो हम दिखाएंगे। बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए, कभी कभी मैंने बोलता हूँ ना कि बिहारी जी के जो दर्शन होते हैं वो इतने दिव्य होते हैं, इतने भव्य होते हैं, इतने अलौकिक होते हैं कि नज़र हटाने का भी मन नहीं करता। नज़र हटाना तो बहुत दूर की बात है,
नजर हटाना तो बहुत दूर की बात है, मन ही नहीं करता कि बांके को ना निहारे, बांके से नजर हटा ले। ये अपने अंदर से ही, अपने हृदय से ही आवाज नहीं आती है, अपने मन, अपना जो तन है वो एक ही जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है जहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और मन जो है और जो दिल है वो सीधा बिहारी जी को निहारने पर फोकस करता है। उसका फोकस इर्द गिर्द कहीं नहीं जाता, राइट लेफ्ट कौन गड़ा है कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ बांके को निहारना है, हमें तो सिर्फ बांके बिहारी जी को देखना है, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी की प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है कि प्रभु ऐसे ही मैं अगर बिहारी जी से कुछ मांगूंगा तो मैं अपने लिए यही मांगूंगा कि प्रभु इसी तरीके से मुझे प्रतिदिन अपने दर्शन देते रहिए, अपनी कृपा का पात्र बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। लेकिन जब आप लोग अपने लिए मांगेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है, आप लोगों को यह भी बोलना है कि प्रभु लाइव सेशन के जरिए तो हम दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हमें फिजिकली शारीरिक रूप से भी हम अपने नैनों से, क्योंकि लाइव सेशन में हम अनफॉर्चुनेटली दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन लाइव सेशन में अगर हम दर्शन नहीं कर पाते तो क्या हुआ, हम और तरीके से तो दर्शन करेंगे, यानी कि हम स्वयं से आएंगे। तो बिहारी जी से हमें यही कहना है कि प्रभु हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहिए। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है जो आपको एड ऑन करनी है अपने लिए प्रार्थना करने में कि ठाकुर जी हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाइए। और मैं कहूँगा कि मुझे इसी तरीके से दर्शन देते रहिए, सुबह शाम दोनों टाइम मैं श्री वृंदावन धाम रहूँगा तो दर्शन करूँगा। यहाँ से देखिए बच्चों की बात कर रहे थे और हमारी भी नज़र पड़ी है बच्चे पे, अरे भैया छुपा लिया बच्चा है, तो हमारी भी नज़र पड़ी है तो यहाँ से हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो, उन्होंने भैया हाथ भी। तो देखो जी ये एक चमत्कार है कि जब भी हम लाइव सेशन में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हैं, किसी एक चीज पर बात करते हैं, तो बिहारी जी हमें उसी तरीके से अपनी कृपा देते हैं, बिहारी जी हमें उसी तरीके से अपना आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर देखो जी एक सखी ठाकुर जी के नृत्य करते हुए, जय हो मेरे राधा गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरे काना, जय हो मेरे कृष्ण मुरारी। ये सब गोपियां हैं, झूमती रहती हैं, नाचती रहती हैं और ठाकुर जी को रिझाती रहती हैं। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के ना अनेकों अनेकों तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप उनका नाम जाप करो, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है कि आप उनको स्मरण करो, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है कि आप उनकी लाइव सेशन देखो, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है कि आप उनके दर्शनों के लिए लालायित रहो, वृंदावन धाम आओ, अनेकों अनेकों तरीके हैं। और हमें पर्टिकुलर एक ही चीज़ में महारत हासिल नहीं करनी, हमें मल्टी टैलेंटेड बनना है, हमें ठाकुर जी का भक्त है ना, और ठाकुर जी के भक्तों को मल्टी टैलेंटेड बनना होता है, यानी कि ठाकुर जी को आप अपने गायकी के जरिए कुछ सुनाकर रिझाएं, आप उनको लाड़ लड़ाएं, कुछ उनके लिए जैसे भक्त लोग आते हैं तो मैं देखता हूं कि आप लोग दुकानों से मिठाइयां लेकर आते हैं, ये मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी, बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हो गया तो कॉल आ रही थी, तो उस शायद एक और चीज़ें देखने को मिलेगी नृत्य। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी के यहाँ पर भक्तों की कमी है, जय हो, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को आप स्वयं से कुछ नहीं बना के ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। आप उनके लिए लड्डू बनाइए, आप उनके लिए पेठे का आइटम मत बनाइए, पेठा आइटम मत लाइए जो भोग नहीं लगता, टमाटर भोग नहीं लगता, तो कोशिश कीजिए जो चीज़ें भोग लगती हैं शुद्ध देसी घी में आप उसको बनाइए, और देसी घी में आप उसको जो प्रिपेयर करेंगे ठाकुर जी के लिए वो आप लेकर आइए, हम भोग लगवाएंगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ें लाइए। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लाता, बहुत सारे भक्त लेकर आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आप लोग फोकस करते हैं कि हम दुकानों से कोई मिठाई लें, आप खुद से भी कुछ बना कर लाइए। ये भी तो लाड़ लड़ाने के, उनको रिझाने के अपने अपने तरीके हैं, आपको जो भी आता है बनाना अच्छा से वो बनाइए। और बिहारी जी ने भी जयकारे के साथ अपनी हाजिरी लगा दी है, अपनी आप लोगों को ये कह दिया है कि बिल्कुल ऐसे ही करिए। और देखो जी कितनी सुंदर पोशाक धारण है, मोर मुकुट कटिका चिनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरा मन बसो सदा बिहारी लाल, पाग बनो पटुका बनो बनो लाल को वेश, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरिया रितिलेस, श्यामा श्याम की जय, कुंजवारी लाल की जय, बरसानी वाली की जय, कुंजवारी श्री हरदास के लाडले की जय, गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री मां के नंद लाल मेरो। इसको शेयर करते रहो भैया, ऐसा सुंदर दर्शन ही मिलेंगे। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय,
श्री नवनागरे की खंजन नैन बैन रस माते, खंजन नैन बैन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरति की जय। श्री नवनागर की पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुखमाओ जागर की श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री नैन सैन नु जागर की श्री आरति की जय। श्री नवनागर की श्री आरति की जय। श्री नवनागर की श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आप को रे जाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आप को रे जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी, मेरा मन मोए मैं तेक छवि बलि आरिन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो प्यारे की भांति, और भांति जुगे प्राण प्यारे युगल के सो रूप ही जानो, छिन्न न टरहु पले एक उड़तान, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन दान। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय वेठल विपुल बिहारी निदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बोलो जहाँ पास में है यमुना पटरानी। आरती ले लीजिए जल्दी से। जय हो मेरे बांके बिहारी, देख सकते हो कितनी सुंदर पोशाक है पिंक कलर की। जय हो जय हो जय हो कुंज बिहारे श्री हरदास। तो भवनेश रत्रा जी और काजल भोला जी को बिहारी जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने स्टार्स के जरिए अपनी सेवा ठाकुर जी के यहाँ श्री चरणों तक समर्पित की है। जय हो मेरे बांके बिहारी। तो यहाँ से अमृत वर्षा के अमृत नजारा लेंगे भैया। ये जो छींटे हैं ये ठाकुर जी के सिर्फ जल के नहीं है, ये उनकी अमृत वर्षा है जो भक्तों पर होती है, और इसी अमृत वर्षा को कृपा की बरसात भी कहते हैं। यानी कि बांके बिहारी जी और राधा रानी की कृपा की जो बरसात है वो संजोग के इस जल में पिरो दी जाती है ठाकुर जी द्वारा उनकी आरती करके, और फिर उसके बाद भक्तों को ये तृप्त करने के लिए दिया जाता है। जय हो कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके श्री हरदास बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो ठाकुर जी महाराज की। यहां से चलते हैं बिहारी जी महाराज के दर्शन तो हमने कर लिए, यहां से देखेंगे अभी पट बंद नहीं हुए, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही डेली लाइव सेशन के लिए हमारी टीम से
जुड़ जाइए अपने नाम और शहर के नाम के साथ, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मेरे बाकी वाली टीम को जिनका व्हाट्सएप नंबर है 8937908000 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। और होली सेवा जानकारी और सेवा अमृत महोत्सव की जानकारी भी अवश्य लीजिए कि कैसे बिहारी जी के साथ आप होली खेल सकते हैं। बाकी चितवन कटी लचक बाके चरण रसाल और स्वामी श्री हरिदास के मेरे बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री बांके बिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे, भक्त जनन के नित रखवारे, श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते, बड़े बड़े नैनन बरसाते, पटका पाग पीतांबर शोभा, सिर सिर पेच देख मन लोभा, तिरछी पाग मोतिलर बाकी, शीश टिपारे सुंदर झांकी, मोर पंख की लटक निराली, कानन कुंडल लट घुंघराली, नथ बोलाक पैतन मन वारती, मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछी ग्रीव कंठ मणि माला, उर पे गुंजा हार रसाला, कांधे सांझे सुंदर पटका, गोटा किरण मो तिनके लटका, भुज में पहिर अंग रखचीनो, कटी काचनी अंग डकलीनो, अमर बंद की लटकन ज्ञान, श्री के बिहारी इकलाई पीछे से आई, दूनी शोभा दई बढ़ाई, दादी सेवा पास विराज, श्री हरिदास छवि अतिराज, घंटी बाज बजत न आगे, झांकी पर्दा पुने पुने लागे, सोने चांदी ए सिंहासन, छत्र लगिन मोतिन की लटकन, बाके तिरछे सुगर पुजारी, तिनके हु छवि लागे प्यारी, अतर फूले ले लगाए सिहावे, गुलाब जल के सर बरसावे, दूध भात नित भोग लगावे, छप्पन भोग भोग में आवे, मग सिर सुदी पंचमी आई, सो बिहार पंचमी काई, आए बिहार पंचमी जब से, आनंद उत्सव होवे तब से, बसंत पाजे साज बसंती, लगे गुलाल पुशाक बसंती, होली उत्सव रंग बर सावे, उड़ते गुलाल कुमकुमा लावे, फूल डोल बैठे पिय प्यारी, कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, युगल स्वरूप एक मूरत में, लखो बिहारी
ही सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बाके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल एकादशी डोल सजावे फूले फूल छवि चमकावे अखे तीज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे घर में भर फूलन के बंगला पटका हार फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते अरे आली तेजन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी के मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट सवा प्रहर कंचन के लूट ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी के चाव सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारी अटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे प्रेमी चित जो कोई तुम्हें प्रेम सोध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बांके बिहारी इन दुखी के संकट हरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध बिसारो मोकु जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोकु अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी बांके बिहारी विनय पचासा इत पड़े बाबे निज आसा पड़े बाब सो नित प्रतिगावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बड़े व्यापार सहज होए भव सागर पारा कलयुग के ठाकुर रंग राते दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय से हाते अष्ट सिद्धि नव निध सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया हरो मोकु अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसो कर मन देखियो निरखु श्याम श्याम प्रेम बिंदु द्रग तेजरे श्री वृंदावन विश्राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद भी मेरो है और गोपाल भी मेरो है और श्री बांके बिहारी नंदलाल भी मेरो है, मेरे बांके बिहारी जय हो त्यारी श्री अरदास। तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार पर बरस रही है और हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही बरसती रहे। और फिर से कह रहा हूँ कि बांके के रंग में रंगने आ जाओ, क्योंकि ये जो रंग है, ये जो अबीर और गुलाल है, ये सिर्फ लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग, ये गुलाबी रंग, ये कलर नहीं है, ये आपके जीवन में रंगने के लिए वो कलर है जिनकी हमें बेहद ज़रूरत है और हमेशा हमें ज़रूरत महसूस भी रहेगी और हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी और पड़ती रहनी भी चाहिए, ताकि हमें भी एहसास रहे कि हमारे ऊपर भी एक पावर है, यानी कि हमारे अंदर कभी वो घमंड नहीं आए, हमारे अंदर कभी वो ज़्यादा ओवर प्राउड ना फील करें कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, अब हमें क्या चाहिए। नहीं, हमारे पास सब कुछ नहीं है। और ऐसे ही जब बिहारी जी अपने भक्तों को अपने रंग में रंगते हैं तो भैया वो कृपा के रंग में रंगते हैं, वो आशीर्वाद के रंग में रंगते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही ठाकुर जी को रंग अर्पित कीजिए और बदले में उनसे भी कृपा और आशीर्वाद का रंग लीजिए। आप अपनी परेशानियों का, अपनी समस्याओं का, अपने सुख का, अपने दुख का जो रंग है ठाकुर जी के लगाइए और बदले में उनसे कृपा और आशीर्वाद का रंग लीजिए। यानी कि कृपा और आशीर्वाद किसी भी रंग में आ सकती है, चाहे वो येलो हो, ग्रीन हो, व्हाइट हो, रेड हो, पिंक हो, जो भी रंग बिहारी जी में उड़ेंगे ना वो सारे रंग उनके हैं और वो कृपा और आशीर्वाद के रंग हैं। तो होली सेवा जानकारी, कैसे आप लोग बिहारी जी को रंग सकते हो और कैसे बिहारी जी के रंग में रंग सकते हो, उसकी जानकारी टीम से ले लीजिएगा, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9058169689 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। तो जय बिहारी जी की श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक बिहारी जी की ये कृपा पहुंचनी चाहिए और वो फर्ज आपको निभाना है। मैंने अपना फर्ज निभाया। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।